मैं इस वक्त रामपुर के शौकत अली मार्ग पर हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नाला है और इस नाले की जो है नाप तोल की जा रही है रामपुर प्रशासन के द्वारा। रामपुर प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर नाप तोल कर रहा है, लगातार यहाँ पर नाले की ज़मीन को पूरी तरीके से पाट लिया गया है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन के लोग, तहसील के लोग यहाँ मौजूद हैं और नाप तोल कर रहे हैं। वीरेंद्र सक्सेना नाम के शख्स ने इस बात की शिकायत की है कि यहाँ पर ज़मीन को पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया गया है। हालांकि नाला दिख रहा है, नाले को पाट लिया गया पूरी तरीके से, प्रशासन के लोग नाप तोल कर रहे हैं। तो तहसीलदार समेत यहाँ कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर नाप तोल का कार्य चल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है नाला भी है जिसको पाट लिया गया है पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ। वीरेंद्र सक्सेना नाम के शख्स हैं, उन्होंने शिकायत की है। इसके अलावा RDA में भी शिकायत की गई और क्योंकि लाखों रुपये गज की जगह बताई जा रही है यहाँ पर, ये देखिए नाप तोल, मैं कैमरामैन से कहूँगा शॉर्ट बनाए किस तरीके से नाप तोल का कार्य चल रहा है। लाखों रुपए गस और की जगह बताई जा रही है। कुल मिला के नाला भी है, नाले को पाट कर जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। इस बात की शिकायत जो है वीरेंद्र सक्सेना नाम के शख्स ने की है और यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। हालांकि योगी जी का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये जाँच का विषय है और जाँच पड़ताल के बाद ही ये तय होगा। फिलहाल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच नाप तुलाई प्रशासन के लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफ़ान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सर उनका आरोप है कि इसमें अधिकारी की लिप्त होने की वजह से ये काम हुए हैं, ये सारे जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, क्या इस मामले जी बाकी इसकी पैमाइश हो गई है। ये संबंधित विभाग भी आया है, इनका लेआउट प्लान है, उसे मिला के देख लिया जाएगा कितना अतिक्रमण है, कितना बिल्डिंग अधिक बनी है कि कम बनी है, वो देखने के बाद ही मालूम करेंगे। ये नाला पाट लिया गया है, इसको खुदान हो गया, इसका नाला की पैमाइश हो गई है, ठीक ना, तो उसके नक्शे में देख लिया जा रहा है, मौका नाप लिया गया है, अब नक्शे में देख के मिलान के बाद ही योगी जी का बुलडोजर चलेगा इस पे। योगी जी का बुलडोजर देखिएगा आज की क्या कार्रवाई हुई है, थोड़ा सा बता दीजिए। आपने यहाँ नाप तोल करी है? नाप तोल हो गई है, शिकायत आई थी जी, बाकी जांच चल रही है। अच्छा, क्या शिकायत आई थी भाई साहब? शिकायत अभी वीरेंद्र कुमार सक्सेना। हाँ, बात बताइए, क्या था पूरी शिकायत? इसे CP5 जो है ये आवास विकास द्वारा जो आवंटन करा गया है इसको, इसने सड़क पे प्रस्तावित रोड पे लगभग 49 मीटर जमीन अपनी बिल्डिंग में मिला रखी है प्रस्तावित रोड की। इसके अलावा इसने 301 नंबर किसी और के पते का, वो अपने 301 जो दुलीचंद नाम के आदमी का नाम था, आवास विकास से आवंटन कराया और फिर उसके बाद पुनः उसे अपने भाई के हाथ बेच करके आगे उसको सेल करा गया। उसने 94.50 मीटर जमीन अतिरिक्त एक शिव कुमार नाम के यही है आवास विकास के, उन्होंने इसके नाम कैसे आवंटन कर दी। और CP5 में 9 मीटर जगह जो सर्किल रेट के लिए, वो रोड के लिए छोड़ी गई थी सर्विस रोड के लिए, उस पर भी इनको आवंटन कर दिया गया। इसमें जरूर कहीं नफा नजायज का रोल अदा होता है। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? प्रशासन आया है? अब प्रशासन आया, इससे पहले इन्होंने नपत करी थी, आधी अधूरी नपत करके गए थे, देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, क्या बना हुआ है इस जमीन पे? इसके ऊपर इन्होंने माल बना रखा है अपना और नीचे होटल वगैरह कर रखा है, बिना नक्शे की बिल्डिंग है। तो इस जमीन की जद में क्या क्या चीज आ रही है, सरकारी क्या क्या चीज आ रही है? सरकारी वो आ रही है इनके, सिर्फ सर्विस रोड आ रहा है। अच्छा, नाला वगैरह भी है क्या देखने में आ रहा है? नाला भी है? हाँ, नाला जो है, नाला करीबन 6 मीटर घुमाया हुआ आगे, इसमें नगर पालिका की लापरवाही है। ये मैं वीरेंद्र कुमार सक्सेना। अच्छा, यहाँ से रास्ता भी निकला मंदिर के पास, वो है।